हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं बिस्ट ब्लॉग। सो आज की वीडियो में हम आपको अपने माइक अडेप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज हम आपको अपने माइक अडेप्टर का रिव्यू देंगे जो कि हमने चांदनी चौक से दिया लिया था। तो लावालियर का हमने माइक लिया था, तो उस टाइम उस पर दूसरा माइक था नहीं, जो भैया थे वहाँ, तो उन्होंने बोला था कि डिजीटेक का एक माइक है जो उससे काफ़ी अच्छा है, तो हमने लोकल माइक लिया। तो आज हम आपको लोकल माइक का रिव्यू देंगे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा माइक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो निकल चुके हैं चांदनी चौक से। तो ये भागीरथी प्लेस था जहाँ से हमने अभी सामान लिया कैमरे का। तो हमने आपको बताया जैसे कि हमें टोटल हमारा जो सामान आया वो लगभग 6,000 रुपये के आसपास आया। तो खर्चा तो बैठ ही गया। इससे पहले हमने बैटरी ली थी तो बैटरी भी 4,000 के आसपास पड़ गई थी। तो अभी तक टोटल 10,000 का खर्चा आ चुका है। बाकी हमने कुछ सामान ऑनलाइन मंगाया था। तो पूरा हम ओवरऑल देखा जाए तो हमने अभी तक 12-15 हज़ार के आसपास हमने इसका सामान ले चुका पूरा। बाकी अब देखते हैं माइक। अभी लोकल माइक ही लिया है, अभी उस पर डिजिटेक का माइक था नहीं। तो भैया ने बोला है कि आप मेरे को अगले हफ्ते का टाइम दो तो नेक्स्ट वीक मैं आपको कॉल करूँगा या मैसेज करूँगा, जैसे भी होगा। तो माइक आ जाएगा तो उनसे कांटेक्ट करके हम ले लेंगे। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा अभी लंबा ट्रैफिक है, तो ये थोड़ा ट्रैफिक से फ्री होते हैं, फिर आपको मिलते हैं। बता रहे थे कि देखते हैं माइक लगा के कितनी आवाज़ हमारी क्लियर आ रही है जो लोकल माइक है। तो माइक तो हमने अभी सही से एडजस्ट नहीं किया है, तो वॉइस देखते हैं पता नहीं कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। तो अभी बाकी शाम के अभी 6:30 से ऊपर टाइम हो चुका है, तो दिखा रहा है आपको टाइम दिखा रहा है 6:37। तो अभी टाइम दिखा रहा है कि 7:40 तक घर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी ऑफिस टाइम भी हो चुका है, घर आने का टाइम हो चुका है लोगों का, तो ट्रैफिक भी मिलेगा। और सामने इंडियन फ्लैग दिखाई दे रहा है आपको, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अपने इंडियन फ्लैग को सलूट है। बाकी आज मौसम भी अच्छा था, तो ना बारिश मिली और ना ज़्यादा धूप थी, ठीक ठाक मौसम था। सो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी वॉइस की क्वालिटी कैसी आ रही है। पहले क्या होता था कि हमें 30 या 35-40 के अंदर स्पीड रखनी पड़ती थी, तब हमारा वॉइस तब जाके थोड़ा सा क्लियर आता था। तो अभी हम ट्रायल ले रहे हैं कि 60-70-80 की स्पीड पे मतलब इसका वॉइस कैसा आ रहा है लोकल माइक का। तो हम फिर उसी हिसाब से लॉन्ग राइड की अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार हम चाहते नहीं हैं कि आप लोगों को बोलने का मौका दे ऐसा कुछ। बाकी अभी ट्रायल देख रहे हैं इसका। तो चांदनी चौक से हम अभी घर को जा रहे हैं और ट्रायल ले रहे हैं कि मतलब वॉइस की क्लैरिटी कैसी आ रही है कैसी नहीं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर ये माइक ठीक है, अगर इसकी क्लैरिटी ठीक आ रही है वॉइस की, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम यही यूज़ कर लेंगे। अगर डिजिटेक की अच्छी होगी तो फिर हम इसको एक्सचेंज करा लेंगे, जो कि मेरी शॉप वाले भाई से बात हुई थी, तो उनको नंबर दे चुका हूँ, उन्होंने बोला कि जैसे आता है डिजिटेक का 2 पिन वाला, तो इनमें 3 वो बने हुए 3 पिन वाला है। तो इसके एक बार वॉइस क्लियरिटी देखते हैं, स्पीड में कितनी तेज आ रही है। 70-80 की स्पीड में जा रहे हैं, वॉइस चेंज करना चाह रहे हैं। 80-90 के स्पीड में वॉइस साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाईवे पे तो एक्चुअली हम 85 के आसपास 80-85 ही रहते हैं, तब भी एक बार दिल्ली के अंदर चेक कर रहे हैं स्पीड, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इसे अडेप्टर और माइक को। माइक अडेप्टर लिया है, अगर इसका रिव्यू सही नहीं आएगा तो फिर हम एक्सचेंज कराएंगे और अपग्रेड माइक लेंगे इससे। तो ये भी ठीक है, अगर कोई लोकल लेना चाहता है माइक और
ज़्यादा महंगा नहीं लेता तो उनके लिए भी ये चीज़ सही है। तो ये माइक हमें 150 रुपये का पड़ा था। तो बाकी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मैं सारा डिटेल दूंगा कि कैसे हमको हेलमेट पे मतलब GoPro लगाते हैं और कैसे इसका कैसे कैसे यूज़ करना है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं उसमें आपको। अभी तो हम बस इसका ट्रायल लेने आए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा माइक का रिव्यू? तो मेरे को तो मे बी शायद ठीक ठाक लगा। तो लोकल माइक था ये, लावालियर का, 150 रुपये का माइक पड़ा था हमें, तो हमने चांदी चौक से लिया था। तो इसका हमने आपको रिव्यू दिया है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको माइक का जो रिव्यू है वो कैसा लगा। और अगर और बाकी कोई अगर लगता है इसमें कुछ हमें अपग्रेड करना चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बताना। अगर किसी को इसके बारे में, माइक के बारे में नॉलेज होगी तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा माइक परफेक्ट रहेगा। तो मिलते हैं इसी के साथ आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो मिलते हैं इसी के साथ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अभी माइक लिया, तो ये माइक इस कंपनी का है, तो माइक अभी डिजिटेक का है नहीं, तो अभी एक हफ्ते बाद आ जाएगा, तो तब हम चेंज करवा लेंगे।